ऑफ वर्किंग कैपिटल के फोर्थ मेथड की, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। देखिए इस मेथड का प्रयोग व्यापारिक बैंकों द्वारा व्यावसायिक फर्मों को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति का आकलन करने हेतु अधिक किया जाता है। क्लियर, बैंकों द्वारा ये अधिक उपयोग किया जाता है। अंडर दिस मेथड ऑन एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट फिगर फॉर द फ्यूचर इज डन। टू दिस फिगर एडजस्टमेंट ऑफ कैश इनफ्लो आइटम्स एंड कैश आउटफ्लो आइटम इज डन। दस द फिगर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड। इस मेथड में सबसे पहले किसी भावी तिथि का अनुमानित लाभ ज्ञात किया जाता है और इस लाभ की राशि में कैश इनफ्लो तथा कैश आउटफ्लो का एडजस्टमेंट करके वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज और डिक्रीज ज्ञात कर लिया जाता है। क्लियर, और यदि हम ध्यान से देखें तो यह है कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही एक रूप है। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कंप्यूटेशन कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले नेट इनकम अमाउंट यहाँ आ जाएगा, फिर उसमें ऐड करेंगे नॉन ट्रेडिंग और नॉन कैश आइटम, वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑपरेशन दिस, फिर उसमें ऐड करेंगे कैश इनफ्लो आइटम्स, इस तरह से इनका टोटल यहाँ आ जाएगा। उसमें से लेस करेंगे कैश आउटफ्लो आइटम्स, यहाँ आ जाएगा, और इस तरह से कैश इनफ्लो में से कैश आउटफ्लो आइटम को लेस करके जो बैलेंस आएगा दैट इज नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर, एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल से हम हर चीज़ अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमारे सामने है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। अंडर मेंशन इज द फोरकास्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 क्या क्या दिया है। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, अदर इनकम इंटरेस्ट 10,000, टोटल आ गया है इसका, टोटल रेवेन्यू हो गया 2,10,000, फिर एक्सपेंसेस दे दिए हैं, एक्सपेंसेस का टोटल हो गया 43,000, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,60,000 आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, फिर डिविडेंड दिया हुआ है, इस तरह से नेट प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड आ गया 1,52,000। अदर इंफॉर्मेशन दी हुई, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अ मशीन वर्थ ₹50,000 इज टू बी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, एन ओल्ड मशीन ऑफ ₹30,000 एंड विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹10,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड फॉर ₹15,000। इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 विल बी इश्यूड फॉर कैश एग्रीगेटिंग ₹50,000। अ टर्म लोन ऑफ ₹1 लाख विल बी रीपेड ड्यूरिंग द ईयर एज सर्टेन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मेथड। क्लियर, तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें बनाना है सॉल्यूशन, हम इसका देंगे, क्या बनाएंगे हम, पेंसिल हम चेंज कर लेते हैं, स्टेटमेंट showing increase or decrease in working capital. Clear? ये लीजिए, सबसे पहले लिखना है हमें नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये रुपीज में आ जाएंगे, कितना दिया है देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग, नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,62,000। क्लियर, अब इसमें हमें ऐड करने हैं
नॉन कैश चार्जेस नॉट अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। क्लियर? कौन कौन से हैं वो? डेप्रिसिएशन, कितना दिया हुआ है देखिए, डेप्रिसिएशन ये है 20,000, फिर लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड ये है 10,000, ये आ जाएगा 30,000, ये हो गया वर्किंग कैपिटल प्रोवाइडेड बाय बिजनेस ऑपरेशन। कितना हो गया ये? 2,57,000। क्लियर? अब इसमें हमें ऐड करना है कैश इनफ्लोस। क्लियर? इसमें है इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कितना दिया हुआ है देखिए, इशू इक्विटी शेयर ये दिया हुआ है 50,000 और फिर दिया हुआ है सेल ऑफ मशीन ये है 15,000। क्लियर कर दीजिए ऐड, ये हो गया 65,000 और इधर ले लीजिए इसका टोटल, टोटल आ गया है 2,57,000। ये लीजिए। क्लियर? अब इसमें से हम लेस कर देंगे कैश आउटफ्लोस। क्या क्या आइटम दिया हुआ है? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, कितना दिया हुआ है ये? 1,00,000। देन परचेज ऑफ ए न्यू मशीन, कितने की परचेज की है? 50,000। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये है 10,000। कर लीजिए टोटल इसका, ये आ जाएगा 1,60,000 और अब आ जाएगा ये नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना आ गया है? ये हो गया है 97,000। तो इस तरह से नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे और इट इज क्लियर दैट द वर्किंग कैपिटल ऑफ द फर्म विल इंक्रीज बाय ₹97,000 एट द एंड ऑफ ईयर। इफ वी अज्यूम दैट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वर्किंग कैपिटल ऑफ फर्म इज़ रुपीज़
thousand, it will go to rupees 2,20,000 at the end of year. Clear? So इस तरह से profit and loss adjustment method से working capital को calculate कर दे